हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और कैसा बीता आपका 15 अगस्त? आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। हमारा तो बहुत अच्छा बीता, हमने खूब इन्जॉय किया। जैसा कि हम लोग क्लॉक कर चुके हैं इसी टाइम सीक्वेंस में, अब हमारा आता है कैलेंडर, और आज हम कुछ कैलेंडर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए फिर महादेव का नाम लेके शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दो ईयर्स होते हैं कैलेंडर में। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 365 डेज को 52 वीक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वन डे एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाता है, जिसे हम ओडे भी कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होगा कि 52 वीक्स हमारे पास में और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। दोस्तों, कैलेंडर में जितना भी वर्क है हमारा, ये वन डे एक्स्ट्रा और 2 डे एक्स्ट्रा के ऊपर ही होगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि नॉर्मल ईयर में वन डे एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई गिवन ईयर, कोई पर्टिकुलर ईयर जो हम लोगों को दिया हुआ है, वो एक लीप ईयर है या नहीं? That means कि वो एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। दोस्तों, हम लोगों को बचपन से पता बताया गया है और हमें पता भी है कि किसी भी ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। मतलब अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर नहीं है तो वो नॉर्मल ईयर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 1992 डिवाइड बाय 4, इसके लिए सिर्फ आप लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कर लीजिए, क्योंकि ये 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। हाँ, 92 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर हो गया, 94 नहीं है तो ये नॉर्मल ईयर हो गया, 08 है 4 से डिविजिबल, लीप ईयर, 28 भी 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर। तो दोस्तों, हमने यहां पे देख लिया कि कौन ईयर लीप ईयर है, कौन ईयर नॉर्मल ईयर है। कोई भी अगर ओड ईयर हो, ओड नंबर ईयर 93, 95, 97, 99, 2001, 2003, इस तरीके का कोई भी ईयर कभी भी लीप ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इन केसेस की, दोस्तों जहां पे लास्ट में 00 आती है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, और हमसे यही गलती होती है। क्वेश्चन वो यहां से दे देता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है, और हमसे गलती भी यही हो जाती है। लास्ट में अगर 20 आई है तो वो एक सेंचुरी का केस होगा दोस्तों, और सेंचुरी का केस 4 से डिविजिबल हमेशा होता है, तो सभी के सभी ईयर लीप ईयर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी भी सेंचुरी आती है तो आप 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करेंगे। और अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, नहीं है तो वो नॉर्मल ईयर होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहां पे देखा कि कितने ईयर लीप ईयर है और कितने ईयर नॉर्मल ईयर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को पूछा जाता है कि एक हम लोगों को एक डेट दे दी जाती है और उस डेट पे हमें दिन बताना होता है कौन सा है। जैसे दे देगा 15 अगस्त 1947, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हम लोगों ने अभी अभी आजादी मनाई है। बस हम लोगों से दोस्तों पूछा जाता है कि डे कौन सा था। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक सिंपल सा मेथड याद करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बस ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, जो कि 3 यहीं से मिल जाएगी। देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है दोस्तों, 47, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स मतलब दोस्तों इस 47 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, तो इसको पता करने के लिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए 11 टाइम्स। आगे हमें पॉइंट में आंसर नहीं लेना है, ये बात हमें याद रखनी होगी, बस हम लोगों को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है 4 से। नेक्स्ट हमें दोस्तों है डेट, डेट कितनी है 15। नेक्स्ट है दोस्तों मंथ कोड, और एक होगा दोस्तों ईयर कोड। देखते हैं मंथ कोड और ईयर कोड क्या क्या होगा। दोस्तों मंथ कोड आपको याद रखना है, और नॉर्मल ईयर के लिए ये होगा 144 025
036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। दोस्तों ये नॉर्मल ईयर के लिए है और 03 बाकी एंड सो ऑन एज इट इज रहेगा, ये दोस्तों लीप ईयर के लिए है। मतलब कोई अगर लीप ईयर है तो हम लोग ये 03 40 और आगे एज इट इज, और अगर नॉर्मल ईयर है तो 1440 आगे एज इट इज। चलिए दोस्तों ईयर कोड और देख लेते हैं। याद रखना 1900 के लिए हम ईयर कोड 0 लेके चलते हैं, 1800 1700 1600 2000 2100 2200 2300 और दोस्तों ये सर्कल हमें रिपीट करते हैं 6420 6420 6420 हमेशा ये रिपीट होगा, और बेस आपको 1900 के लिए 0 ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप कंप्लीटली इसको फॉलो कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मंथ है अगस्त और अगस्त का कोड है 3, ईयर कोड है 1900 के लिए 0, सबको ऐड कीजिए आप इनको हो जाएगा 76। जब यहाँ पे ऐड कर लो तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा रिमाइंडर कितना है। दोस्तों रिमाइंडर है 6। अब देखते हैं अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो संडे होगा, 2 आता है तो मंडे होगा, 3 पे ट्यूसडे होगा, 4 पे वेडनेसडे होगा, 5 पे थर्सडे होगा, 6 पे फ्राइडे होगा और 0 पे सैटरडे होगा। मतलब अगर हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो दिन सैटरडे है, 6 फ्राइडे। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का क्या डे आ जाएगा, फ्राइडे, मतलब हमारा देश फ्राइडे को आज़ाद हुआ था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आप 26 जनवरी 26th ऑफ नवंबर 1946 अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपनी फैमिली का निकाल के एंजॉय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में कैलेंडर रिपीट का। हम लोगों ने बहुत बुक में पढ़ा हुआ है दोस्तों कि कैलेंडर रिपीट का दिया होता है कि 1 1 1 नॉर्मल ईयर का 1, लीप ईयर का 2, नॉर्मल का 1, लीप ईयर का 2। हम लोगों को एक्स्ट्रा डेज निकाल के वो 7 करवाता है कि उनका एडिशन 7 होना चाहिए, दैट नेक्स्ट ईयर हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। दोस्तों वो सब भूल जाइए, एक सिंपल सी बात याद रखिए, अगर आपको कोई भी कैलेंडर रिपीट कराने के लिए दिया गया है तो आप चेक करिए कि वो कैलेंडर नॉर्मल ईयर है या फिर एक लीप ईयर है। अगर वो कैलेंडर एक लीप ईयर है तो दोस्तों सिर्फ 5 ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल ईयर बचता है, अब नॉर्मल ईयर की 2 कंडीशन है। दोस्तों अगर नॉर्मल ईयर ऐसा है कि उसके आने वाला आगे जो ईयर है वो एक लीप ईयर है, जैसे 93 के आगे 94 आएगा लीप ईयर नहीं है, 94 95 लीप ईयर नहीं है, 95 96 लीप ईयर है, तो 95 से जस्ट आगे वाला ईयर क्या आ रहा है, लीप ईयर। तो दोस्तों ऐसे नॉर्मल ईयर में आप 11 ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाकी की बचे हुए जितने भी नॉर्मल ईयर हैं दोस्तों प्लस 6 कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट एंजॉय किया होगा। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर रिपीट में ही हम लोग जान लेते हैं कि आफ्टर 28 इयर्स कैलेंडर रिपीट इटसेल्फ एज इट इज। मतलब जैसे कि 2016 का कैलेंडर है, अब 2016 एक लीप ईयर है और अगला एज इट इज लीप ईयर में जब इसका रिपीट होगा तो वो एग्जैक्ट 28 इयर्स के बाद होगा। दैट मींस 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा एज इट इज। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हमारे पास में एक थ्योरी पोर्शन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट फरवरी, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट नवंबर नॉर्मल ईयर में सेम डे का होता है, मींस 1 फरवरी 1 मार्च और 1 नवंबर नॉर्मल ईयर में सेम डे होंगे। फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट जुलाई,
लीप ईयर में सेम डे होंगे, ट्यूसडे वन डे लेफ्ट, थर्सडे फिर से एक दिन छोड़ दीजिए, सैटरडे कैन नॉट बी द लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी। नेक्स्ट वेडनेसडे एक दिन छोड़ दीजिए, फ्राइडे एक दिन छोड़ दीजिए, संडे कैन नॉट बी द फर्स्ट डेज ऑफ सेंचुरी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जब हम लोगों को डायरेक्टली याद होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इनका आंसर करने में। कैलेंडर का हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, जल्दी ही दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। ऐसे ही अपना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।